नून लीग ने पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब पर सवालिया निशान उठा दिया। वफाकी वजीर अयाज सादक ने कहा है कि मुनस इलाही के साबक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक बयान के बाद अब हमें शक होता है कि पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाब हुआ वो 100% शफाफ था या मैनेज था। अयाज सादक ने कहा कि अभी तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, इलेक्शन के वक्त इनके पास ना बेसाखियाँ होगी ना वो सूरत हाल होगी जो 2018 में थी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी हुकूमत छोड़कर रिस्क लेने जा रहे हैं, ये नून लीग के लिए विन विन सिचुएशन है। अयाज सादक ने मजीद कहा कि नून लीग मैदान में उतरने के लिए तैयार है, इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ और मरियम नवाज करेंगे। गुज़िश्ता दिनों मुनस इलाही ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि जनरल बाजवा के खिलाफ मौजूदा मुहिम गलत है। जनरल बाजवा ने PTI को सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी मुझसे कहा कि इमरान खान के साथ जाएं। याद रहे कि रवां साल जुलाई में पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 और मुस्लिम लीग नून ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, सेनेटर आज़म सवाती का चक शहजाद में वाक़िया फार्म हाउस सील कर दिया गया। CDA शोभा बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से आज़म सवाती की अहलिया को गुज़िश्ता माह नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि फार्म हाउस में 2 बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर और गार्ड्स रूम गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं। अब आज़म सवाती का चक शहजाद में वाक़िया फार्म हाउस सील कर दिया गया और फार्म हाउस CDA बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सील किया। आज़म सवाती का फार्म हाउस बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। ख्याल रहे कि आज़म सवाती को बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ताहम अब सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अरशद शरीफ कत्ल केस, JIT ने कीनिया जाने के लिए सफरी दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में बनाई गई स्पेशल मुश्तरका तहकीकती टीम JIT ने कीनिया जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात की फौरी तैयारी शुरू कर दी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक स्पेशल JIT का पहला इजलास DIG हेडक्वार्टर ऑफिस में हुआ। इजलास में फैसला किया गया JIT अपने TORs बनाएगी। तर्जुमान ने बताया कि JIT सबसे पहले मकतूल अरशद शरीफ की वालिदा और बेवा का बयान रिकॉर्ड करेगी और इस सिलसिले में तमाम मुतलिका अफराद से राबता किया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि स्पेशल JIT ने कीनिया जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात की फौरी तैयारी शुरू कर दी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ IG इस्लामाबाद अकबर नासर ने स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी। कैपिटल पुलिस ऑफिसर अवैस अहमद JIT के कन्वेनियर हैं, जबकि JIT मेंबर्स में ISI से मोहम्मद असलम, MI से मुर्तज़ा अफजल, FIA से वकारुद्दीन सैयद, IB से साजिद कयानी शामिल हैं। नौशहरा से आपको बताते चलें, CTD से मुकाबले में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों की शिनाख्त लतीफ़ खां, शाहजेब, आदल और जाहिदुल्ला के नाम से हुई। जाहिदुल्ला का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि दीगर 3 दहशतगर्द कल अदम तंजीम के कारिंदे थे। DPO ने बताया कि दहशतगर्द टारगेट किलिंग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दों की लाशों को उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया। लाहौर से आपको बताते चलें, FIA की कार्रवाई, नाजेबा वीडियोस बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ब्लैकमेलिंग में मुलजिम के 2 भाई भी शामिल थे, जिनकी तलाश जारी है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम हमजा तलत लड़कियों से दोस्ती करके इनकी नाजेबा वीडियोज और तस्वीर बनाता था। एक मुतासरा लड़की की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिम के 2 भाई भी मुतासरा लड़की को ब्लैकमेल करते रहे। गिरफ्तार मुलजिम के भाइयों हुसैन तलत और हसन तलत की तलाश जारी है। FIA हुकाम के मुताबिक तीनों मुलजिमान ने मुतासरा लड़की की तस्वीरें और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल की थीं।